title is Vulcanization of Rubber. In 1839, American scientist Charles Goodyear discovered this process, that is the vulcanization of rubber. By this process, the strength of polymer, the tensile strength of the polymer get improved, hardness improved, there is a changes in the elastic property of the rubber, the strength of the rubber increases, it is improved. Actually, what is the vulcanization of rubber? Vulcanization of rubber is nothing but the process in which network of cross link, the process in which the network of cross link is introduced into elastomer. Elastomer means the polymer which is more elastic in nature. अब इलास्टिक नेचर इलास्टोमेर का ज्यादा है, मतलब उसमें वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट है. क्यों? तो वो लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है. उस लीनियर चेन स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना, लीनियर चेन स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है. वंस अगेन सी, एक रबर अगर हमने लिया सिंगल, और रबर को ऐसे हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, वो लीनियर है तो मोर इलास्टिक इलास्टोमर. बट उन्हीं रबर्स को ऐसे अगर दो तीन रबर्स अगर हमने लिए लीनियर फॉर्म में और उनको यहां पर बांध दिए बीच में, ऐसे बांध दिए बीच में बांध दिए, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा कर दिया उनका, बांध दिए बीच में, तो जैसे ही बांध देंगे उनका इलास्टिक नेचर कम हो जाता है. देयर इलास्टिक नेचर डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज द लीनियर चेन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर. तो जब एक नेटवर्क चेन स्ट्रक्चर को हम लोग इलास्टोमर में इंट्रोड्यूस करते हैं, इलास्टोमर यानी इलास्टिक नेचर वाला, तब उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है. लेट मी डिफाइन वंस अगेन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. द प्रोसेस इन विच नेटवर्क क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू elastomer is called as vulcanization of rubber, and this process can be done generally with the help of sulfur. When the sulfur is introduced, then the linear chain structure is converted into network structure, cross link structure. यानी अगर हम लोग इसको टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करें तो क्या किया है हमने? रेसिपी, रेसिपी. हमने इलास्टोमर लिया है ट्रीटेड विथ सल्फर, एंड सल्फर के साथ ट्रीट करने के बाद जो इलास्टोमर लीनियर चेन स्ट्रक्चर था वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, वो नेटवर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. यानी हमने नेटवर्क स्ट्रक्चर को, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को जो इलास्टिक नेचर था उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, उस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन
द कंप्लीट पैराग्राफ फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर कैन बी इंप्रूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन. दिस टेक्निक इज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स गुडइयर इन 1839. In this process, the linear chain structure of rubber is converted into cross-link structure, network structure of rubber, and therefore the tensile strength of rubber improved. The hardness of rubber improved. The elasticity of rubber decreased. Rubber becomes hard. Therefore, vulcanization can be defined as the process in which network cross-link structure is introduced into elastomer is called as vulcanization of rubber. Generally, the common process of vulcanization is done with the help of sulfur. When the isoprene, which is the natural rubber, polyisoprene, which is the natural rubber, is heated with sulfur, then linear chain structure is converted into cross-link structure or network structure. This process is called as the vulcanization of rubber. Hope you got this point. Vulcanization of rubber. CDCD baat ye hai. लीनियर चेन का कन्वर्शन हमें नेटवर्क क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में करना है. मतलब हम लोग नेटवर्क क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को इलास्टोमर में इंट्रोड्यूस करते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं. दिस इज नथिंग बट वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. होप यू अंडरस्टूड the title vulcanization of rubber. अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग सामने मूव होते हैं. If the title is very clear to all of you, then let's move further. If the title vulcanization is very clear to all of you, that's great. Now let's have a discussion on the preparation of some polymers. एक शब्द हम लोग सुनते हैं polyester. Polyester is different. Title में जो पढ़ा रहा हूं अभी that is a polystyrene. What is polystyrene? Polymer. How it is obtained? Monomer. Which monomer? The word itself gives the indication. It is a polystyrene. So, the monomer used in polystyrene is. Title से ही समझ में आ जाना चाहिए. That is styrene. But the problem is that what is styrene? That student don't know. Styrene kya hai? So actually, styrene is the phenyl ethene. Phenyl ethene is the styrene. This is styrene. What is this? This is phenyl ethene. Phenyl ethene is the styrene. When this styrene, large number of moles of styrene undergoes polymerization, double bond, this bond shifted to this side, this bond shifted to another side, means we will get bracket free valency CH.
दिस इज बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड सी एच टू फ्री वैलेंसी टेकन एंडेक्स CH benzene ring CH2 free valency taken n times. This is the styrene. This is the polystyrene. So this is polystyrene. When styrene, that is finite ethene, large number of mole undergoes polymerization, then the polymer obtained is called as a पॉलीस्टाइरिन तब जाकर उस पॉलीमर को हम लोग पॉलीस्टाइरिन कहते हैं आफ्टर वल्केनाइजेशन द फर्स्ट पॉलीमर जो हम लोग पढ़े दैट इज नथिंग बट पॉलीस्टाइरिन इट इज अ पॉलीस्टाइरिन स्टाइरिन दैट इज फिनाइल इथीन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन देन पॉलीस्टाइरिन इज ऑब्टेंड अब फोकस करते हैं हम लोग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ सम ब्यूटाइल रबर्स व्हाट आर दोस ब्यूटाइल रबर्स द ऑल टाइटल इज नाउ ब्यूटाइल रबर्स वेयर वन कंपाउंड इज कॉमन विच वन 1,3-butadiene Again and again, I will explain and again and again I am saying, अगर आपको पॉलीमर अच्छे से याद रखना है तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल्स पता होने चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दोज स्टार्टिंग मटेरियल्स आर इन द हिडन फॉर्मैट इन द टाइटल इटसेल्फ वो हमें पता होना चाहिए Let's start to discuss butyl rubbers. First butyl rubber which we are discussing is Buna S rubber. Buna S rubber. Buna. It is a 1,3-butadiene. Buna 1,3-butadiene. S styrene means clearly it indicates it is a heteropolymer it is a copolymer two chemicals combined one is 1,3-butadiene 1,3-butadiene and the second one is styrene 1,3-butadiene How many carbon atoms? 4. To the first carbon atom double bond, third carbon atom double bond. First carbon atom, third carbon atom double bond. Now complete the valency. You know very well how much is the valency of carbon? Carbon atom ki valency kitni hai? The correct answer is very good, excellent, it is 4. So when I said 1,3-butadiene, buta, 4 carbon, di, 2 bar, ene, double bond, kaha par, 1 and 3rd position. 1, 2, 3rd, pahle pe aur tisre. Now complete the valency, 1,3-butadiene, this is CH2, CH, CH, CH3, CH2. When this 1,3-butadiene reacts with the styrene, styrene we know, phenyl ethene, phenyl ethene. So when 1,3-butadiene reacts with phenyl ethene, then we will get bond shifted. We will get free valency CH2, single bond
CH, this bond shifted this side, this bond shifted this side, so it is double bond CH, CH2. Bond shifted this side, attach here, you will get CH. Already CH को attach है, benzene ring, single bond CH2, again CH2, CH, double bond CH, single bond CH2, prevalence, second index. Sir, why you repeated two times 1,3-butadiene and you took single times styrene? मैंने दो बार ही रिपीट किया और ये एक बार, बिकॉज दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्रांसप्लांट. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ट्यूना एस रबर, 75% 1,3-butadiene इज टेकन एंड 25% स्टाइरिन इज टेकन. सो in Buna S rubber, 75% 1,3-butadiene and 25% styrene composition is present. And when they combine, when they undergoes polymerization, let me take n number of mole, n number of mole, then the polymer obtained is nothing but Buna S. It is a rubber, Buna S rubber, and this is also called as SBR. It is a SBR, styrene butylated rubber. आपको 1,3-butadiene का फार्मूला समझ में आया होगा, स्टाइरिन का फार्मूला समझ में आया होगा. ये प्रोडक्ट कैसे मिला मैं एक बार और रिपीट करता हूं. प्रोडक्ट एक बार मैं और रिपीट करता हूं. दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो बीच में आ गया डबल बॉन्ड. दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो इट इज फ्री वैलेंसी CH2, सिंगल बॉन्ड CH, double bond CH, single bond CH2, feel CH, single bond CH2. याद आ गए? Same portion ये वाला 1,3-butadiene का इधर repeat किया. देखो CH2, CH, double bond CH, single bond CH2, free valence. अब समझ में आया होगा ये सेम पोजीशन हमने रिपीट किए यहां पर और बीच में स्टाइरिन जो है वो हमने अटैच किए, तब जाकर ये रबर मिला, विच इज अ ब्यूना एस रबर. इट इज एब्रिविटेड एज एस बी आर, स्टाइरिन ब्यूटिलेटेड रबर. इट हैज बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन नेचुरल रबर. इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मजबूती, द क्वालिटी ऑफ एसबीआर इज मच बेटर देन द नेचुरल. इसकी जो क्वालिटी है ये नेचुरल रबर के कंपैरिजन में बेटर होती है. दिस इज फर्स्ट रबर, दैट इज अ ब्यूना एस रबर. लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. ब्यूना एस रबर, starting material for Buna S rubber is 1,3-butadiene and styrene. 1,3-butadiene and styrene are in the composition of 75% and 25% respectively. When large number of moles of 1,3-butadiene and styrene undergoes polymerization, then Buna S rubber is obtained, which is also called as SBR. That is nothing but styrene butylated rubber. It has good tensile strength than natural rubber. It has improved quality as compared to the natural rubber. This is nothing but Buna
as rubber. Hope you understood the detail regarding Duna as rubber. If the concept is clear, Duna as rubber is clear, I will move further. This is SBR, that is styrene butylated rubber. Then, let's have a discussion on next rubber. अब जो रबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस में है, महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट से नहीं है. सेकंड रबर इज ड्यूना एन रबर. ड्यूना एन रबर, अब ड्यूना है तो क्लियर इंडिकेशन है, आप भी इजीली समझ सकते हो. ड्यूना है मतलब एक केमिकल हम लोग गारंटेड बता सकते हैं, एंड दैट केमिकल इज 1,3-ब्यूटाडाइन. क्लियर, तो एक केमिकल तो पता हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन. द ओनली प्रॉब्लम इज विद एन, हाँ अंदाजा नहीं लगा सकते. अगर किसी के मन में आ रहा होगा कि नायलॉन, किसी के मन में आ रहा होगा नियोप्रीन, बेटा लोग नायलॉन एंड नियोप्रीन ये पॉलीमर है, कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है. एंड पॉलीमर को कंबाइन करके हम लोग केमिकल के साथ नया पॉलीमर डिजाइन करना, ये वाला रबर वो नहीं है. हियर एन स्टैंड्स फॉर अक्राइलोनाइट्राइल, कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर अक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज जो हमने पान बनाया था और लॉन बनाया था. अक्राइलोनाइट्राइल मतलब सिंपल में फिनाइल साइनाइड. सो लेट मी राइट ड्यूना, CH2 डबल बॉन्ड CL, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. This is 1,3-butadiene. N number of moles. Acrylonitrile, that is vinyl cyanide. CH2 double bond CL, single bond CN. This is acrylonitrile. When both undergoes polymerization, shift the bond, this side, that side, this side, that side, this side, that side, cyanide metal chain. So the polymer obtained is that gives free valency CH2, single bond CH, double bond CH, single bond CH2, then single bond CH2, single bond CH, and free valency cyanide niche index. This rubber is called as Buna N rubber. This is the Buna N rubber. The starting material for Buna N rubber is 1,3-butadiene and acrylonitrile. Acrylonitrile, इसको standard abbreviated form में capital N लिखा है. जैसे ड्यूना एस रबर को SBR कहते हैं, ड्यूना एन रबर को NBR कहते हैं. NBR, अक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटीलेटेड रबर. दिस इज सेकेंड वन ड्यूना, द सेकेंड रबर दैट इज ड्यूना एन रबर. ड्यूना एन रबर, Duna and rubber, hope you understood the preparation and the final product also. Might be the title is clear to all of you. Let me revise once again detail. The composition is not derived here. Composition is not derived here. Duna and rubber is the rubbers for which starting material is
1,3-butadiene and acrylonitrile. When large number of moles of 1,3-butadiene and acrylonitrile undergoes polymerization, then Buna N rubber is obtained. It is also called as NBR, that is acrylonitrile butylated rubber. Acrylonitrile butylated rubber. This rubber also had good tensile strength and improved quality as compared to natural rubber. Natural rubber ke comparison mein iski bhi quality improved quality hoti hai. This is another butyl rubber. Hope you are getting why these are called as butyl rubber. Buna S mein butadiene tha, Buna N mein butadiene hai. और आगे दो डिस्कस करना है हमको, उनमें भी ब्यूटाडाइन है, एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल रबर्स आर कॉल्ड एज द ब्यूना ब्यूटाइल रबर. सो यूज कहां करते हैं, सी एक्चुअली द टायर्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ रबर. पर सिर्फ रबर से अगर टायर मैन्युफैक्चर किया तो रबर टायर जब रनिंग में होता है तो फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाएगा, और अगर वो गर्म हो गया तो रबर मेल्ट होने के चांसेस है, उसमें उतनी हीट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, एंड देयरफॉर वो गर्म हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, यानी टायर की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं होगी. और इसलिए इन लोगों को बनाने उन 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 टायर की क्वालिटी को अच्छे करने के लिए ब्यूटाइल एस रबर करते हैं. इवन तो शूज के जो सोल हो गए, सोल उसके लिए ब्यूना एन रबर यूज करते हैं. शूज के सोल के लिए ब्यूना एन रबर यूज किया जाता है. दिस इज अनदर ब्यूटाइल रबर. थर्ड ब्यूटाइल रबर डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी सिलेबस में नहीं है, एंड दैट इज प्योरली ब्यूटाइल रबर. ब्यूटाइल रबर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या क्या केमिकल्स है इसके. The starting material for butyl rubber is once again 1,3-butadiene, and second one is isobutene. 1,3-butadiene and isobutene. What is that? 1,3-butadiene. Double bond, double bond. CH2, CH, CH, CH2. What is isobutene? This is CH3, C, CH3, double bond, CH2. मैंने जानबूझकर उस पैटर्न में लिखा ताकि आसान जाए. तीन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, इट इज अ isobutene. Then, large number of 1,3-butadiene and isobutene undergoes polymerization. They undergoes polymerization. Then, bond shift, 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 shift. We will get CH2 single bond CH, double bond CH, single bond CH2, single bond C, CH3, CH3, single bond CH2, free valency taken in times.
CH2 single bond, CH double bond, CH single bond, CH2 bond free हो गया, attach कर दिया. C को CH3 attach है, single bond, CH2 single. This is butyl rubber. This is butyl rubber. ये butyl rubber है, purely दोनों के दोनों butyl है, butene है. One is 1,3-butadiene and the second one is the isobutene. This is another butyl rubber. Hope ये preparation भी और preparation के साथ उसका जो final polymeric product है वो भी आपको समझ में आया होगा. How butyl rubber is prepared? Let me revise. हमने अभी तक तीन butyl rubber discuss किया. तीन. एक Buna S. नंबर दो is a Buna N. And number तीन is the butyl rubber. तीनों में एक common chemical कौन सा है? ऐसा अगर क्वेश्चन मैंने पूछा, so answer is not a butyl rubber, but it is a 1,3-butadiene. Very good. It is 1,3-butadiene. In Buna S, S stands for. S का meaning क्या है? सिर्फ S वहां लिखा है मतलब वो सल्फर नहीं है. S is the styrene. Styrene. पर सिर्फ स्टाइरीन पता होके नहीं चलता. स्टाइरीन का एक्चुअल केमिकल नेम क्या है ये पता होना बहुत आवश्यक है, तभी उसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं. सो द स्टाइरीन का एक्चुअल केमिकल नेम जो है इट इज अ फिनाइल इथीन. वेरी गुड, फिनाइल इथीन. सेकंड ब्यूना एन तो इजी है, बट ब्यूना एन में कैपिटल एन नाइट्रोजन नहीं है, नाइलॉन नहीं है, नियोप्रीन नहीं है. इट इज अक्राइलोनाइट्राइड. लेकिन अक्राइलोनाइट्राइड से काम नहीं चलता, अक्राइलोनाइट्राइड का फार्मूला नहीं लिख नहीं सकते. अक्राइलोनाइट्राइड क्या है ये पता करना है तो वो फिनाइल साइनाइड नहीं है, वो विनाइल साइनाइड है. ही विनाइल साइनाइड. एंड ब्यूटाइल रबर दोनों के दोनों ब्यूटीन है. वन इज 1,3-butadiene एंड द सेकेंड वन इज द आइसो ब्यूटीन. गुड, सो दिस इज ब्यूटाइल. सर यहां ये कहां यूज करते हैं? साइकिल में जो, या टू व्हीलर में भी. आजकल तो ट्यूबलेस टायर का जमाना है, ट्यूबलेस टायर का जमाना है. बट ट्यूबलेस टायर नहीं था तो अंदर में जो ट्यूब रहता था, ट्यूब TUBE, टायर के अंदर में जो ट्यूब रहता है वो टायर के अंदर का ट्यूब ये ब्यूटाइल रबर से बनाता है. द ट्यूब इनसाइड द टायर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग ब्यूटाइल रबर. वो ब्यूटाइल रबर से बनाते हैं. Let's move further. आगे चलते हैं. Once again, capital S styrene. Styrene is a phenyl ethene. Capital N is a vinyl cyanide. कौन सा cyanide? Vinyl cyanide. Butyl rubber में दो butyls वहां पर है. Okay. नेक्स्ट ब्यूटाइल रबर जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, नंबर फोर इज द नियोप्रीन. नियोप्रीन दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट फ्रॉम इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एक्चुअली सिंथेटिक रबर. ये सिंथेटिक रबर है प्योरली नियोप्रीन. अभी तक हमने जो तीन पॉलीमर डिस्कस किए
ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना ब्यूटाइल रबर, इनको अगर होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर में कैटेगराइज करें तो समझ में आता है ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स हेट्रोपॉलीमर्स के हैं, बिकॉज डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड, डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड। अगर इनको हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अगर क्लासिफाई करें तो तीनों के तीनों हम लोग सोचे तो ये बिलोंग्स करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मन में आता था इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलीमर दैट एडिशन पॉलीमराइज पॉलीमर्स आर होमोपॉलीमर, ये मन में आ सकता है, बट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दीज आर द पॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स, बट देन ऑल्सो दे आर हेटरोपॉलीमर्स, को पॉलीमर। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एडिशन पॉलीमर होमोपॉलीमर ही हो सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन ये जो पॉलीमर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग नियोप्रीन, ये अभी तक जो डिस्कस किए उससे अलग है। नियोप्रीन, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर नियोप्रीन इज क्लोरोप्रीन, एंड जैसे मैंने क्लोरोप्रीन लिखा सस्पेंस बढ़ जाता है, ये क्लोरोप्रीन क्या है। क्लोरोप्रीन इज 2-chloro, थोड़ा लॉजिक लगाया तो सामने का वर्ड आपको याद आ जाएगा, 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene, very few halogenated polymers are there, very few halogenated polymers। एक पढ़ा है अपन ने टेफ्लॉन, फ्लोरीन था उसमें, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोरीन था उसमें, और ये एक, ये मतलब ये पॉलीमर नहीं है, ये तो मोनोमर है। नियोप्रीन इज द पॉलीमर विच कंटेन हैलोजन, विच वन, क्लोरीन, क्लोरोप्रीन, 2-chloro-1,3-butadiene, 1,3-butadiene is there, that means 4 carbon, first carbon and third carbon double bond, 2-chloro second pair CN, 2-chloro second pair CN, and up valency complete karte hain, CH2 completed, CH2, when क्लोरोप्रीन, दैट इज 2-chloro-1,3-butadiene, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, देन शिफ्ट 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 शिफ्ट, वी विल गेट शिफ्ट 3-valency CH2 सिंगल बॉन्ड CCl double bond CH single bond CH2 single bond taken index। ये जो वेनी जुड़ी में जो रबर लगाते हो ना ऐसे, ये दीदी लोग जितने भी चोटियां डालते हैं तो जो रबर लगाते हैं वो रबर इससे बनता है, दिस इज एक्चुअली नियोप्रीन। रबर बैंड बनाने में उपयोग में आता है। नियोप्रीन इज द क्लोरीनेटेड पॉलीमर। यहां पर सेकंड नंबर पे क्लोरीन है तो ऐसे इट इज अ 2-chloro, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है करके ब्यूटा,
नंबर पे डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-क्लोरो, 1,3-ब्यूटाडाइन विच इज क्लोरोफ्री। होप यू अंडरस्टूड। दिस क्लोरोफ्री undergoes polymerization, then the neoprene is obtained. Ethene is a polyethene. Propylene is a polypropylene. Vinyl chloride is a polyvinyl chloride. Tetrafluoroethylene, polytetrafluoroethylene. It is chloroprene, undergoes polymerization, so it is a polychloroprene. It is a polychloroprene. And see the uses. It is used in the manufacturing of rubber band. It is used in the manufacturing of hose pipe, H-O-S-E, pipe, जो gasoline transportation के लिए उपयोग में लाते हैं, hose pipe. It is also used in the manufacturing of gasket. कोई अगर किचन में जाता होगा तो उसको पता है, सिर्फ एक आदत से नहीं चलता। गैस्केट, कुकर में जो रबर की रिंग होती है वो नियोप्रीन की रिंग होती है। गैस्केट रिंग इज प्रिपेयर बाय यूजिंग नियोप्रीन। इवन दो जो जैकेट्स होते हैं, जैकेट्स, वो जैकेट्स ये नियोप्रीन से बना जाते हैं। केबल वायर, केबल वायर वो नियोप्रीन से बनाए जाते हैं। सो दिस इज अनादर ब्यूटाइल रबर। इफ यू कंपेयर फर्स्ट 3-ब्यूटाइल रबर विद द 4th-ब्यूटाइल रबर, यू विल गेट सर्टन डिफरेंट आंसर्स। पहले 3 हेटरोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, बट नियोप्रीन इज अ होमोपॉलीमर, सिंगल केमिकल। पहले 3 एडिशन पॉलीमर थे, और अगर मैं क्लोरोप्रीन की बात अगर करूं तो ये भी एडिशन पॉलीमर ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये भी एडिशन ही है। तो ओनली डिफरेंस, वहां 2 अलग केमिकल ऐड होते थे और यहां एक ही केमिकल ऐड हुआ है, सिंगल, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ एडिशन पॉलीमर। लेट्स रिवाइज, आज हमने पढ़ा क्या है। फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस, दैट इज अ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो। If the concept is clear in the vulcanization, क्या कर रहे हम लोग? Elastomer का conversion, crosslink या network structure polymer में कर रहे हैं। मतलब हम लोग network crosslink structure ये elastomer में introduce कर रहे हैं। The process in which network crosslink structure is introduced into elastomer is called as vulcanization of rubber. Generally process कैसे करते हैं? Sulfur से करते क्यों है? Quality improved होनी चाहिए rubber की, इसलिए हमारा वो vulcanization हम लोग करते हैं। Starting किसने किया था? 1839 में Charles Goodyear ने उसको introduce किया था। Then we started to do discussion on butyl rubber. उसके पहले हमने पॉलीस्टाइरीन पढ़ा, स्टाइरीन से मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्यूना एस, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ब्यूना एम, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाइल रबर, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड आइसोब्यूटीन एंड नियोप्रीन विच इज नथिंग बट क्लोरोप्रीन, एंड क्लोरोप्रीन केमिकल नेम इज 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। When it undergoes polymerization, neoprene, that is polychloroprene, that is addition polymer, that is homopolymer, that is linear polymer, is
obtained. It is synthetic polymer which is obtained. Is another butyl rubber.